अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस क्या होती है? इंटरफेरेंस एक्चुअली कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। जब दो वेव आपस में सुपर इम्पोज हों, यानी दो वेव आपस में मिले, तो इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है। अच्छा, अगर हम इन दो वेव को आपस में मिला रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आएगी, जो न्यू वेव आएगी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जब आप इन दो वेव्स को आपस में मिलाते हैं, यानी इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है, तो रिजल्टेंट में जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट में जो आपके पास वेव आए उसका एम्पलीट्यूड जीरो हो। दो तरह की कंडीशंस हैं जब सुपर पोजिशन होती है टू वेव की, लेकिन इन कंडीशंस को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। एक बात मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि इंटरफेरेंस के लिए थ्री कंडीशंस का होना जरूरी है। नंबर वन, वेव वन और वेव टू की फ्रीक्वेंसी सेम हो। आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ नंबर ऑफ साइकिल थ्री है, वन टू थ्री, तो यहाँ पर भी वन टू एंड थ्री, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड आपके पास सेम है, यानी फ्रीक्वेंसी सेम है। सेकेंड चीज, एम्पलीट्यूड। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड का सेम होना भी बहुत जरूरी है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? बेस लाइन से लेकर वेव का जो मैक्सिमम पॉइंट होता है वहां तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। एक्चुअली एम्पलीट्यूड इज द डिस्टेंस। ये एम्पलीट्यूड फॉर एग्जांपल अगर 2 सेंटीमीटर है, तो वेव टू का आप देखें यहां से लेकर यहां तक का एम्पलीट्यूड भी क्या है, 2 सेंटीमीटर। यानी वेव वन और वेव टू में सेकेंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, डेट इज एम्पलीट्यूड। ओके, थर्ड थिंग इज दैट डायरेक्शन। वेव वन और वेव टू का एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर वेव वन राइट हैंड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो वेव टू भी राइट हैंड डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अगर वेव वन और वेव टू इन थ्री कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं, तो ये आपस में सुपर इम्पोज होंगी, यानी इंटरफेरेंस का प्रोसेस हमारे पास होगा। और यही सारी चीजें मैंने यहाँ वर्डिंग्स में आपकी कन्वीनियंसी के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर ये दो वेव फॉर एग्जांपल आपस में सुपर इम्पोज होती हैं, अगर इनका जो रिजल्टेंट वेव आपको मिलेगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये दो वेव हैं, वेव वन और वेव टू, जब ये आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगी, तो आप देख रहे हैं जो रिजल्टेंट में आपको वेव मिली उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव से ज्यादा है। एम्पलीट्यूड यानी बेस लाइन से लेकर वेव का जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां तक का डिस्टेंस। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके इधर देखें, हम जो वेव है, हम वेव के अपर पोर्शन को कहते हैं क्रेस्ट और लोअर पोर्शन को कहते हैं ट्रफ। अपर पोर्शन क्रेस्ट और लोअर पोर्शन ट्रफ। अगर क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है, यानी वेव वन का क्रेस्ट वेव टू के क्रेस्ट से मिल रहा है और वेव वन का ट्रफ वेव टू के ट्रफ से मिल रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि ऐसी इंटरफेरेंस में आपके पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और उसको आप कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा इन फेज होती है, यानी वेव वन और वेव टू आपस में इन फेज होंगी। इन फेज का मतलब क्या है? क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलेगा, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा। क्रेस्ट क्रेस्ट से मिल रहा है, ट्रफ ट्रफ से मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में आपके पास जो रिजल्टेंट वेव आ रही है वो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है। तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यही सारी चीजें मैंने इधर वर्डिंग्स में भी लिख दी है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होती है जब वेव वन का क्रेस्ट वेव टू के ट्रफ से मिल रहा हो और वेव वन का ट्रफ वेव टू के क्रेस्ट से मिल रहा, यानी कि वेव वन का और वेव टू आपस में एक दूसरे क्या है, आउट फेज है। और इस आउट ऑफ फेज की वजह से जो इंटरफेरेंस होगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है वो जीरो होता है। यानी आपके पास आप देख सकते हैं वेव वन का क्रेस्ट वेव टू के ट्रफ से मिल रहा है, इधर आप दोबारा देखें वेव वन का जो ट्रफ है वो वेव टू के क्रेस्ट से मिल रहा है। यानी वेव वन का अपर पोर्शन
वेव टू के लोअर पोर्शन से मिल रहा है और वेव वन का लोअर पोर्शन वेव टू के अपर पोर्शन से मिल रहा है. इसका मतलब है बोथ वेव्स वेव वन वेव टू आर आउट ऑफ फेज और फिर एक दूसरे को ऐसी वेव आपस में कैंसिल कर देती है, एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगी और रिजल्टेंट में आपको जीरो एम्पलीट्यूड मिलेगा. अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होंगी? देयर आर सर्टेन कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. पाथ डिफरेंस, अगर दो वेव हैं तो ऑब्वियसली उन दोनों के दरमियान कोई ना कोई पाथ तो होगा, कोई ना कोई पाथ डिफरेंस तो होगा. लेकिन हम पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जरूर डिस्कस करेंगे. अभी आप देखें, पाथ डिफरेंस अगर 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा है और आप शॉर्ट में एन लैम्डा भी लिख सकते हैं और एन जो है वो 0, 1, 2, 3 सो ऑन कुछ भी हो सकता है. अगर आपके पास इस तरह का पाथ डिफरेंस है तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. और अगर पाथ डिफरेंस आपका 0 लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2, यानी आप देखिए लैम्डा बाय 2 जो है वो तो कांस्टेंट है और इसके अलावा आपके पास यहाँ ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं. अगर ऑड इंटीजर्स के साथ लैम्डा बाय 2 आ रहा है तो इट मीन्स कि ऐसा पाथ डिफरेंस आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा. लैम्डा बाय 2 आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2n+1. एन की वैल्यूज आप कुछ भी रख सकते हैं 0, 1, 2, 3 और जो भी वैल्यूज आप इधर रखेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इवन नंबर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन आ जाता है. लेकिन जब आप उसमें साथ में प्लस 1 कर देंगे तो इट विल बिकम ऑड इंटीजर. और ऑड इंटीजर हो और लैम्डा बाय 2 के साथ हो तो आपके पास ऐसा पाथ डिफरेंस हमेशा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है. अब आपके पास एक एक्सपेरिमेंट भी है, एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस. फॉर एग्जांपल आप देखें कि हमें पता कब कैसे चलता है कि कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये स्पीकर 1 है और ये स्पीकर 2 है. फॉर एग्जाम्पल दोनों स्पीकर एक सेम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अटैच हैं या सेम साउंड सिस्टम से अटैच हैं, तो फिर इन दोनों के अंदर से जो वेव पास आउट होंगी उन दोनों वेव का भी आपस में एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि ये एक ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है. फॉर एग्जाम्पल ये स्पीकर 1 है और ये स्पीकर 2 है. अब आप देखें, समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो डार्क लाइन है ये फॉर एग्जांपल क्रेस्ट शो कर रही है तो डॉटेड क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी? ट्रफ. फिर अगेन क्रेस्ट, फिर ये डॉटेड ट्रफ. इसी तरह अगर आप स्पीकर 1 की बात करें, स्पीकर 1 और ये रेड वाला स्पीकर 2 है, तो स्पीकर 1 में भी डार्क लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्रेस्ट, डॉटेड लाइन ट्रफ, और ये डार्क लाइन क्रेस्ट और ये डॉटेड लाइन ट्रफ. अगर क्रेस्ट और क्रेस्ट आपस में मिलेंगे या ट्रफ और ट्रफ आपस में मिलेंगे, यानी दोनों एक जैसे पोर्शन ऑफ वेव आपस में मिलेंगे तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. और अगर दो अपोजिट पोर्शन मिलेंगे वेव के तो आपके पास कौन सी इंटरफेरेंस होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. अब आप देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप देखें, ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन किससे मिल रही है? ब्लू वाली डार्क लाइन से. यानी एक डॉटेड है, दूसरी डार्क है, बोथ आर अपोजिट. जब दो अपोजिट पोर्शन ऑफ वेव आपस में मिलते हैं, यानी कि डॉटेड आपको पता है क्या है? ट्रफ है. और डार्क लाइन आपके पास क्या है? क्रेस्ट. यानी ट्रफ और क्रेस्ट आपस में जब मिलेंगे तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी. एम्पलीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा. अगर आप देखें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, यू कैन सी माई कर्सर, ये वाली लाइन है आपके पास, ये वाली लाइन, यानी दो डार्क लाइन्स, रेड और ब्लू, दोनों डार्क है. इसका मतलब है दोनों सेम पोर्शन है वेव के. रेड भी आपके पास क्या है? क्रेस्ट है. और ब्लू वाला भी आपके पास क्या है? क्रेस्ट है. यानी क्रेस्ट और क्रेस्ट आपस में मिलेंगे तो इस पॉइंट पर आपके पास कौन सी इंटरफेरेंस होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और आपको एक लार्ज एम्पलीट्यूड वाली वेव मिलेगी. इसी तरह अगर आप और देख लें, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये ब्लू लाइन किससे मर्ज हो रही है? किसके साथ? इस रेड वाले के साथ.
ये नहीं, ये आपके पास डार्क लाइन है और ये डॉटेड लाइन है, दोनों अपोजिट है। अगर दोनों अपोजिट है इट मीन्स कि आपके पास कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब है ब्लू वाला किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, क्रेस्ट को, और रेड वाली जो डॉटेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रफ को। तो जब क्रेस्ट और ट्रफ आपस में मिलेंगे तो आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलता है कि कब कंस्ट्रक्टिव हो रही है इंटरफेरेंस मिल रही है, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रही है? उसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कहते हैं सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसको आप जो भी सिग्नल देते हैं आवाज की शक्ल में, तो आवाज को करंट में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद स्क्रीन में वेव की फॉर्म में वेव की फॉर्म में डिस्प्ले कर देता है। यानी जो वेव हमें इनविजिबल है वो ये इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले करेगा अपनी स्क्रीन पर। सीआरओ के साथ माइक्रोफोन अटैच होता है, माइक्रोफोन से आप सब वाकिफ होंगे। सीआरओ के साथ माइक्रोफोन अटैच होता है, और अगर माइक्रोफोन को ऐसे पॉइंट पर रखें जहां वेव के एक जैसे पॉइंट मिल रहे हैं, यानी क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, तो हमें एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, लाइक दिस। और अगर हम ऐसे पॉइंट पर रखें जहां वेव के पॉइंट एक जैसे नहीं है बल्कि अपोजिट हैं, फॉर एग्जांपल क्रफ टू ट्रस्ट और क्रेस्ट टू ट्रस्ट और सॉरी क्रेस्ट टू ट्रफ और ट्रफ टू क्रेस्ट, तो वहां पर हमें एम्पलीट्यूड हमेशा जीरो मिलेगा। ठीक है,